सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इवनिंग का टाइम है और इधर कपड़े वॉश करे फोल्ड करके रखे हैं। 7:15 हो रहे हैं। श्रीजा गई थी बर्थडे में आप लोगों के साथ में, पता नहीं शेयर किया नहीं किया। तो आज अष्टमी की इवनिंग है और श्रीजा की एक फ्रेंड का बर्थडे है, तो श्रीजा वहाँ पे गई थी और हस्बैंड भी अपने काम से आ गए हैं, तो हस्बैंड कह रहे हैं चलो उसको लेने चलते हैं। लेकिन 7:15 बजे तक तो कोई बर्थडे होता नहीं। मैंने उसको कॉल की तो अभी बर्थडे नहीं हुआ है ना। और अभी मैं सोची कुकिंग कर लेती हूँ, वो तो शायद खा के आएगी वहाँ से। पिछली बार वो एक बर्थडे में गई थी तो पता है वहाँ से वो ठीक से खाना कुछ खा के नहीं आई। बहुत से पेरेंट्स ना बर्थडे का टाइम ऐसा रखते हैं इवनिंग का और फिर स्नैक्स रख लेते हैं, तो उसमें क्या होता है बच्चा बेचारा ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। मतलब घर वाले ये सोचते हैं कि बच्चा तो खा के ही आएगा, है ना। और तो पता क्या हुआ, श्रीजा तो बर्थडे में गई बट श्रीजा तो ऐसे ही आई और मैं और सक्षम को, मेरे को और सक्षम को हस्बैंड ले गए बिगीज़ की, चलो तुम कुछ खिला के लाता हूँ तो हम लोगों की पार्टी होगी। और श्रीजा को जब आने के बाद ये चला ना कि हम लोग बिगीज़ में होके आए तो वो बहुत रो रही थी। अभी सक्षम बाहर है और इसको पटाखे का भूत सवार है, कंजक के जो पैसे मिले थे उनमें पटाखे लेकर आया। सक्षम 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 और सक्षम का फ्रेंड लगे पड़े हैं दोनों, इनको समझाना बहुत मुश्किल है। गाड़ी खड़ी है, अंकल डांटेंगे। वहाँ वहाँ चाटे पड़ने वाले, इनको नहीं समझा सकता कोई बदमाशों को। और आज कुकिंग में ज़्यादा कुछ नहीं करना है इवनिंग में, क्योंकि दिन में काफ़ी कुछ बना था, हलवा बना था, थोड़ा हलवा भी रखा है। और आज तो मेरे ब्लैक चने जो होते हैं वो ऐसे ही रखे हैं, तो हस्बैंड को ना इसकी सब्ज़ी बहुत पसंद है, मैंने फ्रिज में रख दिए थे तो कह रहे हैं इनकी मेरे लिए सब्ज़ी बना दो और थोड़े राइस बना दो, तो बस मैं वही करूँगी। बनाती हूँ थोड़े प्याज टमाटर, क्योंकि नवरात्रों में कई दिन तक प्याज व्याज नहीं खाई जाती थी, लेकिन अभी हमारे यहाँ तो हो चुकी है अष्टमी तो मैं तो हमारे यहाँ तो खा लेते हैं हम लोग। आप लोग ऐसे खाते हो नहीं कमेंट करके बताना। तो जैसे हमारे यहाँ नवरात्रों में जो काले चने प्रसाद के लिए बनते हैं, बाद में उसकी हमारे रामराज में यानी सासू माँ भी अधिकतर यही बना लेती हैं, तो बच्चों को आदत होती है ना, जैसे शुरू से करते आ रहे हैं वो चीज़ें पसंद आती हैं। तो हस्बैंड को भी जब मैं ये करती हूँ उसके बाद वो कहते हैं कि इसकी सब्ज़ी बना लो। जैसे टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और ये डालूंगी। और अब सीज़न चेंज हो गया, मौसम अंतर आ गया, तो अदरक ज़रूर चाहिए होता है सब्ज़ी में और बहुत अच्छा भी होता है और इनके लिए भी अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है वो। बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में आप खा सकते हैं। और अभी मैंने ब्लॉग शुरू करने से पहले थोड़ा सा लिप कलर वगैरह लगाया था जिससे शक्ल थोड़ी सही सी आए। कभी कभी ऐसे ही ब्लॉग शुरू कर देती हूँ और काम ही तो वो बड़ा अजीब सा आता है। वैसे तो यार रियल शक्ल जो है वो आपको पता है ना। आज अष्टमी थी, मैंने की थी और कल को नौमी है, तो जो मेरी बर्तन वाली आती हैं तो वो नौमी करती हैं, तो वो मेरा करा देती हैं। दीदी आपका भी हो जाए मेरा भी हो जाए तो कल को वो छुट्टी पे रहेंगी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, आज मेरा काम हो गया कल तुम्हारा हो जाएगा, है ना। तो पूजा पाठ का काम तो सभी का होना ज़रूरी है, चाहे मेरा हो या उनका हो, है ना। हम एक दूसरे के साथ में थोड़ा सा एडजस्ट करके चलते हैं तो ठीक रहता है। तो मैं कह रही कोई बात नहीं कल तुम आराम से करना, आज मेरा हो गया आराम से, है ना। तो यहाँ पे प्याज लहसुन है, टमाटर है, टमाटर के बीज निकाल दिए, हरी मिर्च थोड़ा सा मैं पीस लूँगी, थोड़ी सी हींग, प्याज लहसुन, और थोड़ा सा छोले मसाला। छोले मसाला डाल के एक अलग ही टेस्ट आता है, यम्मी यम्मी। और इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स, और इसको अच्छे से भूनने के बाद इसमें काले चने डालेंगे और इसमें लगा देंगे 3 से 4 सीटियाँ और ये बन जाएगी बड़ी अच्छी टेस्टी वाली सब्ज़ी। और सब्ज़ी फ्राई करने के बाद मैं निकल गई श्रीजा को लेने के लिए। श्रीजा को बर्थडे में से लाना है ना, फ्रेंड के बर्थडे में गई थी। आवाज कम करना, मैच चल रहा है किस किस का।
सुजा तो खा के आई है वहाँ पे चिली पोटैटो क्या क्या। तो फ्रेंड्स अभी है नेक्स्ट डे, कल श्रीजा गई थी बर्थडे में और श्रीजा की फ्रेंड के पापा भी लेने चलेगा और हम भी चलेगा। श्रीजा की मम्मी फ्रेंड मम्मी से मैंने फ़ोन करके पूछा तो उनको कुछ पता ही नहीं रहता। मैं भी पहुँच गई है ना, कल देख सकते हो मैं अपने पैसों की कंजक की लाया। तो बच्चों में कह रहा था कंजक के पैसों से बिस्तर पटाखे लाए हैं और क्या लाए हो पापा के साथ गए थे भी? नहीं खाने की तुमको इसको तो पटाखों का भूत सवा रहा है इस बार। ये मैगी भी लाया, वही सकते तो खरीदारी करके लाया है। और आज मेरी मम्मी पड़ेगी इस मैगी के साथ सारी बातें सक्षम की। सक्षम वैसे तो कॉफी सक्षम ने मम्मी को दिया, मैंने लिया बनाएगा जिसके पास मैगी के साथ मेरी आई थी जिसके पास की होती है उसकी होती है। हाँ ये कौन बनाएगा फिर? ये मैं बनाऊँ। श्रीजा बनाएगी मैगी? वैसे मैं मैगी लोगों को ज़्यादा खिलाती नहीं लेकिन कभी कभी तो खा लेते हैं बच्चे। लेकिन मैं वेजिटेबल डाल के बनाओगे? प्याज टमाटर शिमला मिर्च उसे सुननी पड़ेगी, मटर सब कुछ है मेरे सुननी पड़ेगी बनाओ। ऐसे नहीं सही लगती। सो फ्रेंड्स अभी इवनिंग का टाइम और बाहर बच्चों को पटाखे फोड़ने की पड़ी हुई है। दो तीन बच्चे पटाखे सक्षम भी है उनमें से एक। और इधर है मेरी पूजा की चौकी और आज नवमी की शाम है। नवमी की शाम है, जो लोग नवमी करते हैं ना तो उन्होंने आज की होगी। तो सक्षम श्रीजा भी एक दूसरे के प्रसाद वरसाद खाने गए थे अपने फ्रेंड्स के यहाँ। अच्छा ये जो चौकी होती है माता जी की तो मैं तो दशमी के बाद हटाती हूँ, जैसे कल को दशहरा हो जाएगा फिर मैं हटा दूँगी। आप लोग कैसे हटाते हो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना प्लीज़, है ना। तो मैं जैसे दशहरा तक यहीं पर दिया लगा देती हूँ, वहाँ भी लगाती हूँ यहाँ भी लगा देती हूँ। अभी इवनिंग का टाइम है, मैं पूजा करूँगी तो जैसे मंदिर में दिया लगाऊँगी तो अपनी चौकी पर भी दिया लगा दूँगी। तो मेरे को पता नहीं है सच में कि किस दिन हटानी चाहिए। तो मैं दशहरे पर ये नवमी की शाम तक लगी रहती हूँ, दशहरे के दिन अगले दिन पूजा होने के बाद में हटा देती हूँ। तो ऐसे मैं इसको हमेशा करती हूँ। कोई भी है जिनको इस चीज़ के बारे में समझ है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों। और यहाँ पे पूजा पाठ का सामान कल को थोड़ा सा सिमट जाएगा, है ना, क्योंकि नवरात्रि में पूजा पाठ का नहीं होगा तो और क्या होगा, है ना। और यहाँ पे कुछ चीज़ें मेरी रखी हैं, ये मैंने कुछ कपड़े वगैरह वॉश किए थे भगवान जी के जो कि अभी यहीं रखे हैं, इनको उठा के रखूँगी। यहाँ पे कुछ बैंगल्स वगैरह हैं तो मैं नवरात्रि में बैंगल्स वगैरह डाल लेती थी अपने हाथ में, तो थोड़ी थोड़ी मैंने अभी भी डाली हुई हैं। कड़े पहने रहती हूँ रेगुलर बेसिस पे मैं, तो यहाँ पे मेरी बैंगल्स का भी रखा है, कुछ चीज़ें फैला रखी हैं मैंने। और कल को दशहरा है तो कल को भी सुबह को यही सब रहेगा, है ना, जो भी रहेगा आपके साथ तो शेयर करूँगी। और आज मेरी किचन में जो मेरी हेल्पर हैं वो आई नहीं थी तो मैंने अभी अपनी किचन पूरी साफ़ की। अभी क्या जब वो नहीं आती ना तो सेंटर में अपने बर्तन साथ साथ साफ़ करके रखती रहती हूँ। और जब मेरे बर्तन साफ़ होते हैं तो मेरे किचन के आधे से भी ज़्यादा स्लेब पे बर्तन ही बर्तन होते हैं, क्योंकि बर्तन रखने की और कोई जगह है नहीं, है ना। तो कभी कभी जैसे मैं वीडियो शूट करती हूँ तो ये आ रहे होते हैं। और यहाँ पे पीछे वॉशिंग एरिया है लेकिन मैं यहाँ पर रख के छोड़ नहीं सकती क्योंकि ऊपर जाल है तो थोड़ा बहुत डस्ट तो आता है। और कभी कभी यहाँ पर छिपकली भी आ जाती है जो कि आजकल तो नहीं आ रही जब से सफाई की है, तो थोड़ा सा ऐसा है ना, थोड़ा ये रहता है। और बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है बाहर, देखते हैं क्या हो रहा है। ओ भाई हाथ पर मत जला लेना कोई सा बच्चा। हाँ पापा मैं ये रख दूँगा। ये तो इनकी टोली में और भी बच्चे जमा हो गए। रोज सुबह यहाँ इतना कूड़ा हो जाता है, साफ कराना पड़ता है रोज, पता। सक्षम का तो कुछ ज्यादा ही, आज मिट्टू भी शामिल हो गया टोली में। चोट मत मार लेना। तो इस बार इन लोगों को भूत सवार है ज़्यादा ही कुछ पटाखों का, पता नहीं क्यों सक्षम इतने नहीं जला। सक्षम थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा बड़ा हो गया ना तो इस तरह की बदमाशी में ज़्यादा इन्वॉल्व होने लग गया। तो अभी हस्बैंड खड़े हैं वैसे लेकिन डर लगता है हाथ पहनना जला ले। सक्षम अब तो बहुत खोल लिया, बंद कर दो। हाँ क्यों सक्षम? बंद कर दीजिए। हाँ हो गया पूरा? नहीं अभी मैंने रात के लिए बजाया और रात के लिए भी बजा लिया।
बहुत अच्छा काम किया तो रात के लिए भी इसने बचा लिए हैं। तो जब भी पटाखे बजाता है तो ध्यान रखना पड़ता है, वैसे मुझे पता है कई लोग सोचेंगे कि अभी से क्यों पटाखे चला रहा है, वैसे हम बार बार मेरे बच्चे तो चलाते भी नहीं, पापा हस्बैंड की तबीयत ख़राब रहती थी और वैसे भी पटाखे जब चलते हैं तो हस्बैंड थोड़ा सा वहाँ से हट जाते हैं, अभी तो ये दूर खड़े हैं, लेकिन ये है कि बच्चे हैं तो क्या करें, बच्चों को देख के करते ही हैं। और अब ये बड़ा हो रहा है तो कुछ कुछ नई नई चीज़ें सीखेगा, कुछ करेगा, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी गलत होती हैं, थोड़ा थोड़ा रोकना चाहिए बच्चों को, लेकिन थोड़ा थोड़ा करने भी देना चाहिए, है ना। तो बस ये पटाखे छुड़ा रहा है अभी, और अभी 6 o'clock हो रहा है, मेरे पूजा का हो रहा है टाइम, मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और पता नहीं ये ब्लॉग कितना छोटा हुआ कितना बड़ा हुआ, क्योंकि सही से शूट ही नहीं हो पा रहा, पता नहीं कुछ दिन से ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, मतलब कभी मैं कुछ कर रही होती हूँ तो कैमरा उठाना भूल जाती हूँ, फिर बस ऐसे ही चल रहा है आजकल, आपको भी पता है, कभी एक दिन ब्लॉग आता है एक दिन नहीं आता, लेकिन मैं अब कोशिश करूँगी कंटिन्यूस इसको करने की। मुझे पता है कि बीच बीच में ब्लॉग नहीं जाता, अभी परसों की वीडियो पे भी कमेंट आ रहे थे शिप्रा रोज़ ब्लॉग डाला करो, हम लोग वेट करते हैं, तो मुझे जब नहीं डालती ना बाद में फ़ील होता है कि यार आज मैंने ब्लॉग क्यों नहीं डाला। और पता है ये सब चीज़ें इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि मेरे साथ में मेरा कुछ हेल्थ इशू भी चल रहा था और पता नहीं क्या ही चल रहा था, है ना। तो कभी कभी पीछे हस्बैंड खड़े हुए मेरे मजाक उड़ा रहे हैं, तो कभी कभी होता है ऐसा, है ना, कभी कभी आप किसी चीज़ पे नहीं फोकस कर पाते तो हो जाता है। लेकिन अभी फिर से फेस्टिवल्स आ रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगी, तो प्लीज़ आप लोग अपना साथ बनाए रखिए। एक थोड़ा सा पता है ये भी होता है कि जब कम लोग, जब व्यू बहुत डाउन होते हैं ना तो थोड़ा सा मन वैसा सा हो जाता है कि यार क्या छोड़ो, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ नहीं इतनी मेहनत की है, कुछ लोग हैं मुझसे बहुत सारा प्यार करते हैं तो उनके लिए मुझे ब्लॉग डालना चाहिए जो मेरा इंतज़ार करते हैं ना, तो बस ऐसा है। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा होपलेस भी होती हूँ मैं, लेकिन ठीक है, फिर मैं ये सोचती हूँ यार दो इतनी शोर आ रही है, कभी कभी ये सोचती हूँ कुछ कोई बात नहीं, यूट्यूब से क्या मिला क्या नहीं मिला, बहुत सारे लोगों का प्यार मिला, इतने सारे दोस्त मिले, इतनी बड़ी फैमिली मिली यूट्यूब फैमिली, तो है ना। तो रीज़न यही है बस, आप लोगों के प्यार के लिए मैं ये ब्लॉग्स बनाती हूँ और शेयर करती हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्यार करते रहिएगा दोस्तों, आपके प्यार की हमेशा ज़रूरत रहती है। चलिए बाय बाय, जिन लोगों ने आज नौमी की थी तो हैप्पी नौमी, माता रानी सब पे कृपा करें, बाय बाय, लव यू ऑल। और आज कल तो रौनक हो रही होगी मार्केट में बहुत सारी, तो हैं हाँ दिए का टाइम हो गया, चलो बाय बाय।